It was good. Good? Yes. So the first attempt was what? 100 meters. First attempt. अच्छा 100 में 60 to 70 पेपर टू में आई थी 50 to 60 ओके अब क्वेश्चंस की बात करते हैं क्वेश्चंस जो आपने बनाया है करंट अफेयर जो आया था लास्ट 1 ईयर का था क्वेश्चंस याद है आपको हां कुछ कुछ पॉलिटी का जैसे आया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस होता है और प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए थे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रियल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या और मैथ से भी था बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन था हां ज्योग्राफी में ज्यादा मैथ से ही था ज्योग्राफी से मतलब ज्योग्राफिकल जो एरिया जो अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन आए थे ना हां था ये यूक्रेन वगैरह वगैरह यूक्रेन से और G20 पे भी एक क्वेश्चन था आप बताइए कुछ आप पेपर 1 के अंदर आप हां पेपर 1 अच्छा रहा सर खत्म कितना किया आपने 70 अप्रोक्सीमेट और बहुत पेपर 2 भी अच्छा था वो अच्छा था हां रीडिंग कंप्लीशन इजी था इंग्लिश का ठीक था ओके और बहुत लॉजिकल रीडिंग एंड मैथ्स 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 कुछ ठीक थे मैथ्स मैथ्स भी थे रीडिंग भी ठीक था ओके चलिए आप बात करते पेपर 1 के बारे में तो डिटेल में मैथ्स क्वालिटी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन ज्यादा थे क्वालिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्वालिटी से क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन थे इंटेंजिबल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे इंटेंजिबल से क्वेश्चन आया था ओके कुछ रिवर्स नदियां वगैरह ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आया था इंडियन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे और मैथ्स में कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था नदी वाला क्वेश्चन था और कुछ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन आया था हां यूक्रेन यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ओके यूक्रेन अभी न्यूज़ में था 2 साल पहले से वॉर वाला जो वॉर वाले रशिया रशिया वॉर इससे रिलेटेड चलिए अब लास्ट में कंक्लूड कीजिए पेपर के लेवल बता दीजिए आप लोग इजी मॉडरेट और हार्ड क्या कहेंगे आप मॉडरेट 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 ओके कुछ सजेशन देना चाहेंगे आने वाले एस्पायरेंट जो नेक्स्ट ईयर देने वाले आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना जो नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको बता दें जो मिस्टेक्स हुई है वो कि ये रिवीजन अच्छे से करें रिवीजन रिवीजन इन द सेंस आप क्या बात कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसी चीज का रिवीजन दोनों का अच्छे से प्रिपरेशन करें लास्ट नोट्स का बार बार रिवाइज करें ओके आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी सर स्टडी नहीं हमने तो ऑनलाइन किया है ऑनलाइन किया घर पे जी ओके तो कुछ मिस्टेक्स कुछ रिग्रेट्स आपको हो रही होंगी अभी जो नहीं करना था वो लैक ऑफ रिवीजन लैक ऑफ रिवीजन यस यस बिल्कुल बिल्कुल Okay. अगर रिवीजन और अच्छे से क्या होता तो क्वेश्चन और अच्छे बनते और अच्छा एग्जाम लगता है चलिए बहुत ज्यादा आया था आयर का बहुत ज्यादा था आई डोंट नो उतना गिने नहीं है ओके बट थोड़ा टफ था हाँ और सी सेट का थोड़ा लेंदी था क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रेंशन बहुत ज्यादा था आप इसको रीड करना पूरे अप्रिहेंड करना कंप्रिहेंड करना इसे चूज करना एक आपके टीचर का सबक नहीं वो डिफिकल्ट नहीं था वो इजी लगा रीजनिंग भी ठीक था मतलब सी सेट ओवरऑल ठीक था इसी से जीएस पेपर 1 की बात करें थोड़ा वो डिफिकल्ट था थोड़ा डिफिकल्ट कितना अटेम्प्ट किया आपने 100 में पेपर 1 में 60 60 व्हाट अबाउट पेपर 2 बेस्ट अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 80 उसमें मेरा 55 था 55 तो कोई सजेशन देना चाहेंगे आने वाले एस्पायरेंट को जो आपसे मिस्टेक्स हुई है एग्जाम में ये आईआर को ना छोड़े आईआर को अटेम्प्ट करना है और पिछले बार के कंपेयर में इस बार आईआर का बहुत ज्यादा आया रोल था स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन आए थे तो मन में खेल जगत से याद नहीं है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया था याद है आपको आर्टिकल साइज 16(4) का आया था एक क्वेश्चन और एक आया था पॉलिटी का कोई अमेंडमेंट का था एक क्वेश्चन चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड मेंस आल्सो थैंक यू बहुत अच्छा था और नॉर्मल था ज्यादा हार्ड नहीं था लेकिन जो करंट अफेयर्स था वो थोड़ा पूरा घुमा के दिया था हाँ इसमें तो आपको हार्ड लगा था मतलब इंटरनेशनल से ज्यादा पूछा गया था या नेशनल से ज्यादा पूछा गया नहीं नॉर्मल था हाँ उतना हार्ड नहीं था इंटरनेशनल से उतना कुछ पूछा नहीं था हिस्ट्री का था और सी सैट में तो ऐसे लग रहा ना
कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो पैसेज था ना वो पूरा रिपीट हुआ है। दो तीन जो था हम लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे थे ना, वो रिपीट हुआ है। अभी जाके पहले चेक करना होगा हुआ है तो, क्योंकि लास्ट फाइव ईयर का सॉल्व किए थे तो इससे पहले किए थे तो थोड़ा माइंड में आ रहा है। मैथ्स इजी था अगर आप लास्ट ईयर के सॉल्व किए हैं, अगर हाँ तीन साल के भी किए हैं तो इजीली आप कर लेंगे, समझ में। और अगर पूरा क्वांट अगर सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली उनका तो पूरा मार्क्स आना ही आना है और सीसेट ऐसे ही निकल जाएगा। अगर पैसे जो इसे टच भी नहीं करेंगे ना निकल जाएगा। पेपर जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अलावा क्वेश्चन था, हाँ लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स वगैरह सारा इजी था। हाँ हाँ ओके, अब बात करें आप पेपर वन के बारे में, जीएस वन के बारे में बताएं डिटेल में। जीएस वन में था कि आपका ये करंट से पूछा था, ठीक है, और जो एनसीईआरटी था एक दो हमको लगा कि जितना हम अटेम्प्ट किए हम टोटल 75 अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें हाँ 75 अटेम्प्ट किए, उसमें जिसमें मेरा 65 जो है कंफर्म था कि मतलब करेक्ट है। और हाँ और उसके बाद जो बाकी 10 का था हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, उसमें अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों देखना पड़ता है, माइनस प्लस दोनों देखना पड़ता है। अगर हाँ नेगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा इधर रखे, चार में एक तो जाता है ना, तो वो लेके चले आप, देखिए क्या आता है रिजल्ट, क्योंकि अभी तक तो जब तक नहीं आएगा तब तो बता नहीं पाएंगे। ये आपको कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ मतलब आपने प्रीवियस ईयर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, उसको सॉल्व करा था, हाँ काफी हेल्प साबित हुई। हाँ एक महीने से वही देख रहे थे, क्योंकि उससे ज्यादा कर रहे थे ना ओवरलोड हो जा रहा था, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। फिर रिवाइज अगर मैच नहीं हो रहा था ना तो लगता है कि आया कि नहीं, थोड़ा नर्वस तो थे, लेकिन जब आते गया ना क्वेश्चन तो भी थोड़ा नॉर्मल हो गया सारा कार्रवाई। हाँ नॉर्मल हो गया। ओके, कुछ सजेशन देने चाहेंगे आप आने वाला स्पायरेंट को नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर के लिए यही बोलेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखिए, जो करंट वगैरह पूछते हैं, जो प्रीलिम्स का है, जीएस वाला तो करना ही होगा आपको, दोनों को मेंस और प्रीलिम्स दोनों को 21 तैयारी करना होगा। लेकिन प्रीलिम्स में जब आ रहे हैं ना तो प्रीलिम्स का कुछ पॉइंट है, 7 पॉइंट सिलेबस में, उसको देख लीजिए और लास्ट ईयर का सॉल्व कर लीजिए। अगर हाँ दो हफ्ता अगर कंटिन्यू करेंगे ना तो ये उतना हार्ड नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। अगर आप 1.5 वीक भी अगर प्रैक्टिस कर लिए, एक एक घंटा भी दे दिए ना तो नॉर्मल है, ऐसा सडनली आप आ जाएंगे तो फिर लगेगा कहाँ से उठा के दे दिए, एकदम पता ही नहीं चले आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना ये है कि आप फैमिलियर हो जाए प्रीवियस ईयर करके, हाँ हाँ आपको जाके क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, बोलने लगेगा, हाँ अदरवाइज आपको लगेगा कहाँ सारा क्या कुछ सारा रुके। हाँ ओके ओके, सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वास्ट है काफी। हाँ चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एंड फेज 1 रिजल्ट। थैंक यू। हाउ इज द सर, कैसा रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कर योर अटेम्प्ट, पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट करा आपने आउट ऑफ 100? मैंने 65 अटेम्प्ट किया था, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ ठीक था, ऑलमोस्ट ठीक था। हाँ 50 प्लस पेपर 2 में, पेपर 2 में 65 प्लस। हाँ चलिए, अभी अटेम्प्ट की बात करते हैं, आप बताएं आप क्वेश्चंस के बारे में, जो जीएस पेपर 1 में था, पेपर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा था, वोकैबुलरी इजी थी उसकी या थोड़ा डिफिकल्ट? नहीं वोकैबुलरी इजी थी, हाँ 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 हम सर केंद्रीय बोले तो काफी लंबा था पेपर, लेकिन इजी था, लेंदी तो होता है यूपीएससी पर, लेंदी तो होता ही है, लेंदी होता ही है। आप बताइए मैथ्स और रीजनिंग के बारे में जो क्वेश्चन आए थे, इजी था या हार्ड था? मॉडरेट 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 था, डिफिकल्ट नहीं था? नहीं नहीं नहीं। ओके, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे क्या? स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी का? नहीं नहीं ये सब नहीं, इस बार नहीं, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नहीं था इस बार। चलिए अब बता करेंगे आप पेपर 1 में जो करंट अफेयर आए थे, लास्ट 1 ईयर का था, लास्ट 2 ईयर का था, या फिर रिसेंट 6 मंथ्स का? करंट अफेयर पेपर 1 में, पेपर 1 में वो जो एक साल का जो अंदर जो घटनाक्रम रहता है, हाँ हाँ सारा उसी एक साल के अंदर ही, हाँ एग्जैक्टली एक साल के अंदर ही आया था इसमें। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको, मतलब आर्टिकल से या पॉलिसी होगी इंडियन गवर्नमेंट की या फिर
कोई आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन? हाँ हाँ, अभी 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 जैसे इंडिया अभी होस्ट कर रहा है G20 का, ओके अभी इंडिया जैसे होस्ट कर रहा है G20 का, उसको लेके रिसेंट में मतलब ये आया था क्वेश्चन, आया हाँ रिलेटेड पूछा गया था। हाँ, और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, हाँ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, उसका भी उससे भी क्वेश्चन था काफी। हाँ हाँ हाँ, जैसे यूरोपियन यूनियन से था और दोनों को मतलब ऐसा मिला के था, ईयू का और G7 का। और कुछ जिसे होता ना, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ChatGPT भी रिसेंट। हाँ 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 हाँ, कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ही इस बार। हाँ हाँ हाँ, दो क्वेश्चन। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कंप्यूटर से आए थे क्या? कंप्यूटर से इस बार नहीं आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया था बस। इसीलिए आप कंक्लूड कीजिए, आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल और प्रेजेंट प्रीलिम्स लेवल का, इजी लेवल और क्या कहेंगे? हम तो इसको मॉडरेट लेवल बोलेंगे, क्योंकि हाँ इससे अगर कम भी रहेगा तो फिर इसका पेपर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से। लास्ट में आपको सजेशन देना चाहोगे आने वाले को, जो आपसे मिस्टेक्स भी हैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, इसमें करेंट अफेयर पोर्शन जो है उसमें देखिए ये है कि आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहे, रेगुलरली अपडेट करते रहे तो ये काफी अच्छा आपको फायदा देगा प्रीलिम्स में। हाँ रेगुलरली वेब से, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ऐसा PIB वगैरह आपको मतलब डेली बेसिस पे पढ़ना ही है। हाँ तभी मतलब रिलेट करके आप आगे कर पाएंगे इसको। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड मेंस। ओके थैंक यू।